हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये कह रहा है, मैंने सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। आई हर्ड यू जस्ट ब्रोक अप विद योर बॉयफ्रेंड। कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेवर थिंक यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। ये लड़का इससे बोल रहा है, नेवर थिंक यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेवर थिंक यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। ये लड़की बोल रही है, जस्ट लीव मी अलोन, बस मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन, बस मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे कह रहा है, वी ऑल गोटा गेट ऑफ, हमें अभी उतरना होगा। सो फ्रेंड, ये बस में है और ये एक बस है जो है वो ब्रिज पे है, तो कह रहा है हमें एकदम बस से उतरना होगा। वी ऑल गोटा गेट ऑफ, हमें बस से उतरना होगा। बस से उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। फिर ये कह रहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ब्रिज गिरने वाला है, द ब्रिज इज गोना कोलैप्स। सो फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये अभी इस बस में ही बैठा था और एकदम से एक सपना सा आता है, एक विजन आता है जिसमें से दिखता है कि ब्रिज गिर गया और हमें ये करके सब मर गए। तो एकदम इसकी आँख खुलती है और एकदम ही सबसे कह रहा है कि यहाँ से निकलो बस में से, क्योंकि वो ब्रिज गिरने वाला है। तो इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, कह रहा है द ब्रिज इज गोना कोलैप्स, ब्रिज गिरने वाला है। वी आर ऑल गोना डाई, हम सब मरने वाले हैं। वी आर ऑल गोना डाई, हम सब मरने वाले हैं। तो उसका दोस्त कह रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर फ्रेंड क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ब्रिज गिर जाता है और कुछ लोगों को ये बचा लेता है। ब्रिज गिरते ही तो लोग इससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा। हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता था कि ब्रिज गिरेगा। हाउ डिड यू नो दैट द ब्रिज वुड कोलैप्स, हाउ डिड यू नो दैट द ब्रिज वुड कोलैप्स, तुम्हें कैसे पता था कि ब्रिज गिरेगा। यही तो बड़ा सवाल है। अब इससे पुलिस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन है यार, यही तो बड़ा सवाल है। तुम्हें कैसे पता था ऐसा हुआ। हाउ डिड यू नो इट वुड हैपन, तुम्हें कैसे पता था ऐसा होगा। ये कह रहा है, आई हैड अ विजन, मुझे एक सपना आया था। तो मतलब एक विजन ऐसा होता है कि ये वैसा सपना नहीं होता जो हम सो के देखते हैं, ये एक अलग एक दिखाई देता है आंखों को। तो इस सिचुएशन में कह रहा है, आई हैड अ विजन, मुझे एक सपना आया था, एक विजन आया था, मैंने इसे गिरते देखा था, मैं जानता था ऐसा होगा। आई सो इट कोलैप्स, आई न्यू इट वुड हैपन, मैंने इसे गिरते देखा था, मैं जानता था ऐसा होगा। आई सो इट कोलैप्स, आई न्यू इट वुड हैपन, मैंने उन्हें पहले ही आगाह किया था, यानी उन्हें वॉर्न किया था, उन्हें पहले ही बताया था। आई वॉर्न देम बिफोर हैंड, मैंने उन्हें पहले ही आगाह किया था, मैंने उनसे कहा था कि ब्रिज गिरेगा। आई टोल्ड देम द ब्रिज वुड कोलैप्स, मैंने कहा था कि ब्रिज गिरेगा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। बट मोस्ट ऑफ देम डिडेंट बिलीव मी, लेकिन ज़्यादातर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एंड नाउ दे आर डेड और वे मर चुके हैं। तो ये पुलिस वाले को इस पर शक है कि इसे लगता है कि इसका इसमें हाथ है ब्रिज गिरने में। तो इससे कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हम जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। आई हैव अ फीलिंग वी विल बी सीइंग ईच अदर अगेन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है कि जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास नहीं है। वट एवर आंसर यू आर लुकिंग फॉर, आई डोंट हैव। तो इसके फ्रेंड भी इस पर शक सा कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता। तो ये कह रहा है, वट एवर आंसर यू आर लुकिंग फॉर, आई डोंट हैव, जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो मेरे पास नहीं है। सेम सही है, इसका दोस्त कह रहा है कि सेम सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कैसे हुआ। सेम इज़ राइट, इट डजेंट मैटर हाउ इट हैपन्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे हुआ, इट डजेंट मैटर हाउ इट हैपन्ड। ये कह रहा है, वी शुड बी ग्रेटफुल वी आर स्टिल अलाइव, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हम जिंदा हैं। We should be grateful we are still alive. क्या उसने अभी अभी मेरा नाम बोला? Did he just say my name? क्या उसने अभी अभी मेरा नाम बोला? मैंने नहीं सुना इसने क्या कहा। I didn't hear what he said. मैंने नहीं सुना इसने क्या कहा। I didn't hear what he said. अब तुम सब सावधान रहना। You all just be careful now. अब तुम सब सावधान रहना। तो ये आदमी है, मौत के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, इस मूवी में से दिखाया है, तो इसलिए बोल रहा है You all just be careful now. उनसे कह रहा है जो वहाँ से बच गए थे उस एक्सीडेंट से, कह रहा है You all just be careful now. अब तुम सब सावधान रहना।
मौत को पसंद नहीं कि उसे धोखा दिया जाए। डेथ डजंट लाइक टू बी चीटेड, यानी कि मौत को पसंद नहीं कि उसे धोखा दिया जाए। इसकी नज़रों में इन्होंने मौत को धोखा दिया है, इनकी मौत वहाँ आनी थी लेकिन ये वहाँ से बचा है, तो अब मौत इनकी आनी है, क्या है कैसे भी आए। तो इसलिए वो कह रहा है डेथ डजंट लाइक टू बी चीटेड, मौत को पसंद नहीं कि उसे धोखा दिया जाए। तो कह रहा है आगे बोल रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है तुम अब मुसीबत में हो, इट मीन्स यू आर इन डेंजर नाउ, इट मीन्स यू आर इन डेंजर नाउ। इसका मतलब है तुम अब मुसीबत में हो, इट मीन्स यू आर डेंजर, इट मीन यू आर इन डेंजर नाउ। जो तुमने किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था, यू शुडेंट हैव डन व्हाट यू डिड। यो कह रहा है तुम्हें वहीं मर जाना चाहिए था, यू शुडेंट हैव डन व्हाट यू डिड, जो तुमने किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तुम सब सावधान रहना, यू ऑल जस्ट बी केयरफुल नाउ, यू ऑल जस्ट बी केयरफुल नाउ, अब तुम सब सावधान रहना। वो कह रहा है थैंक्स फॉर एडवाइस, सलाह के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर एडवाइस, सलाह के लिए शुक्रिया। क्या और कुछ भी है जो तुम कहना चाहते हो, इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, क्या और कुछ भी है जो तुम कहना चाहते हो। देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, कहने और करने को तो कुछ बचा ही नहीं। ये कह रहा है कि अब कहने और करने को कुछ नहीं बचा, देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू। सो फ्रेंड ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हम वैसे ही बहुत यूज़ करते हैं, ये कहने को और करने को अब बचा ही क्या है, देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू डू और से। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।